अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे बहुत ही क्यूट से मिटन्स। मैंने पूरा सेट बनाना सिखाया हुआ है, इसके साथ मैचिंग बूटीज़ भी हैं, कैप भी है, स्वेटर भी है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा इसकी वीडियो होगी, वरना मेरी चैनल में जाके वहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ पर होंगी इसकी। बहुत ही आसान है, अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो ये मैंने स्टिच पैटर्न सेपरेटली भी सिखाया हुआ है, ब्रियोच स्टिच पैटर्न है ये, इसकी वीडियो भी मेरी वीडियोज़ में होगी, मेरे चैनल पर होगी। अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे। यहाँ पे 8 नंबर की जो है यहाँ पे सिलाई है और 3 प्लाई की ऊन है। आप कोई भी नंबर की सिलाई ऊन इस्तेमाल कर सकते हैं, नाप को फॉलो कीजिएगा। उसके अलावा मैं वीडियो जब शुरू होती है तो कोशिश करके लिख देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, ऊन कितनी आपको लगेगी, या फिर कौन सी ऊन है, कितने नंबर की सिलाई है, सब लिखती हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो गौर से देखा करें। अच्छा, हम यहाँ पे 32 फंदे 32 स्टिचेस सिलाई पे कास्ट ऑन कर लेंगे। कास्ट ऑन स्टिचेस 32 स्टिचेस विथ एनी मेथड यू नो। इफ यू वांट टू फॉलो दिस मेथड यू कैन सर्च कास्ट ऑन बाय क्लीन इट्स। किसी भी तरीके से सिलाई पे फंदे अगर आपको डालने आते हैं तो डाल लें, वरना ये वाला मेथड आप सर्च कर सकते हैं, कास्ट ऑन बाय क्लीन इट्स। 32 स्टिचेस हमने सिलाई पे डाल लिए हैं, 32 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस नेट 1 × 1 रिब बॉर्डर फॉर 1.5 इंच। मैं बिगनर के लिए दिखाऊंगी, आई विल शो फॉर द बिगनर हाउ टू डू इट। एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुनेंगे 1.5 इंच तक, या आप बॉर्डर की साइज अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। रो 1, निट 1, पर्ल 1। निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। फिर से एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा, इसी तरह करते जाएंगे, सारे फंदे इसी तरह बुन लेंगे। एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा। कीप रिपीटिंग दिस वे, निट 1 पर्ल 1, निट 1 पर्ल 1, रो 1 आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस। फंदे सिलाई पर डालने के बाद वाली पहली सिलाई है, एक सीधा एक उल्टा, आखिर तक इसी तरह कर लें। एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, ये हमारी पूरी सिलाई हो गई, एक सीधे एक उल्टे वाले बॉर्डर वाली। ये मैंने सेपरेटली भी सिखाया हुआ है, अगर बिगनर हैं और किसी ने देखना है तो 1 × 1 रिब वाला बॉर्डर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जी, रो 1 कंप्लीट हो गई हमारी, रो 1 इज कंप्लीटेड। नाउ कीप रिपीटिंग दिस रो फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द मिटन बॉर्डर। यू कैन कीप द लेंथ अकॉर्डिंग टू योर ओन मेजरमेंट्स, इफ यू आर मेकिंग फॉर अ बिगर चाइल्ड और स्मॉलर देन दैट, टोटली अप टू यू। आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं या इससे भी छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, आपकी मर्जी है। आपने बस नाप लेनी है कि इतना इतना बॉर्डर होता है और उसके ऊपर जो होता है वो मिटन का दूसरा डिज़ाइन, जैसे कि हमने यहाँ पे रखा है। अभी हम ये बुन लेते हैं, यही एक सिलाई रिपीट करते जाएं। बिगनर्स देखें, यहाँ से आप फिर से यही करेंगे, रो 1 इसी तरह से, ये देखें इसी तरह से। यू विल जस्ट कीप रिपीटिंग रो 1 लाइक दिस फ्रॉम राइट साइड, रॉन्ग साइड, बोथ, उल्टी साइड से सीधी साइड से आपने यही रिपीट करते जाना है, बस रिपीट कर लें। बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है, 1.5 इंच हमने इसको बुन लिया है, निडल के ऊपर से नाप रही हूँ, आप लेंथ को फॉलो करेंगे। बॉर्डर बुन लेने के बाद हमने यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन शुरू करना है, बहुत ही आसान है। इससे पहले भी मैंने आपको कैप और बूटीज बनाना सिखाए हुए हैं, तो जिन्होंने नहीं भी देखा है उसके लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से। सिर्फ 1 रो रिपीट है, एक ही सिलाई का रिपीट है ये। राइट साइड से शुरू करें, रॉन्ग साइड से शुरू करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है। तो हम अभी शुरू करेंगे, निट 1 बिलो, एक फंदा यहाँ से, सीधा हम इस तरह से बुनते हैं ना, लेकिन हम इसके नीचे से बुनेंगे इस तरह से, निट 1 बिलो, पर्ल 1, एक फंदा उल्टा, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, बट इसके इस फंदे के नीचे से, इसको हम निट 1 बिलो बोलते हैं, और फिर से एक फंदा उल्टा। कीप रिपीटिंग दिस, निट 1 बिलो, पर्ल 1, निट 1 बिलो, पर्ल 1, ऑल स्टिचेस। देखें, एक फंदा नीचे से मैं इसको बुन रही हूँ इस तरह से करके, बुन वैसे ही रहे जैसे सीधा फंदा बुनते हैं, बट इसके नीचे से एक फंदा नीचे से, और फिर से उल्टा फंदा। कीप रिपीटिंग दिस रो 1 आफ्टर निटिंग बॉर्डर। पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है, निट 1 बिलो इन पर्ल 1, एक फंदा
फंदे के नीचे से बुना और एक उल्टा. नाउ कीप रिपीटिंग रो वन फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर मिटन. अब देखें, ये अगर छोटे बच्चे के लिए या बड़े बच्चे के लिए बड़ा बना सकते हैं और थंब भी बना सकते हैं. मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है बड़े बच्चे के लिए, किस तरह से ग्लव बनाते हैं, मिटन बनाते हैं, ऊपर से बंद है और हाथ साइड में जो है वो थंब के लिए, अंगूठे के लिए जगह होती है. बिगनर के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ. फॉर बिगनर आई एम गोइंग टू रिपीट सेम रो वन वंस अगेन. सिर्फ बिगनर के लिए मैं फिर से रिपीट करके बताती हूँ, वरना आपने यही एक सिलाई रिपीट करते जाना है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि भाई निट वन बिलो. ये देखें, यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से इसके नीचे से बुन रही हूँ. ये स्टिच पैटर्न मैंने सेपरेट भी सिखाया है. अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो पहले उस स्टिच पैटर्न की प्रैक्टिस कर लें आप जो मैंने सिखाया हुआ है सेपरेट. मेरी वीडियोस में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा लिंक. जस्ट कीप डूइंग दैट सेम रो वन. वही एक सिलाई है, यहाँ से नहीं, यहाँ से, निट वन बिलो. जस्ट कीप रिपीटिंग द सेम रो फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ फॉर मिटन. मिटन की लेंथ का आप इसको बुन लें. मैं आपको नाप के दिखाऊंगी, आई एल शो यू मेजरमेंट्स. बॉर्डर बुन लेने के बाद ये जो हमने डिज़ाइन बुना है उसको साथ मिला के टोटल हमारी 5 इंचेस जो है वो लेंथ है इसकी, 5 इंचेस लेंथ. अब मैं इसको खींच नहीं रही. आपको पता है अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो ये देखें, ये बहुत स्ट्रेची होता है, लेकिन मैं इसको, आपने इसको नापना है बग़ैर ज़्यादा खींचे हुए. इसकी विड्थ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप कोई और सिलाई और ऊन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी. 5.5 इंचेस इसकी विड्थ है यहाँ से, और 5 इंचेस इसकी टोटल लेंथ है. अगर आप बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो और ज़्यादा इसको बड़ा कर दें. अब लेंथ पूरी हो जाने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना, और बस एक सिलाई हम बुनेंगे निट टू टुगेदर वाली, दो फंदों को सीधा करते जाएंगे. देखें, ये राइट साइड है, दिस इज़ द राइट साइड. नाउ आफ्टर निटिंग 5 इंचेस वी विल क्लोज स्टिचेस. नेक्स्ट रो निट 2 स्टिचेस टुगेदर ऑन ऑल स्टिचेस. कीप निटिंग 2 स्टिचेस टू निट 2 टुगेदर, निट 2 टुगेदर ऑन ऑल स्टिचेस. आपने दो फंदों का एक करते जाना है, जितने भी आपके पास फंदे होंगे दो फंदों का एक करते जाना है. ये पूरी सिलाई हमने राइट साइड से दो का एक करके पूरी कर ली है, दो फंदों को साथ बुन के, निट टू टुगेदर जिसे कहते हैं. तो हमारे पास 16 फंदे बचे हैं, आपके पास जितने भी बचेंगे आप उस हिसाब से रखेंगे. अब आप देखें, इसको काट लेंगे डबल करके, क्योंकि फिर हमने इसकी साइड सीनी है. इन सारे फंदों में से गुजारेंगे हम इस धागे को और फिर बंद कर लेंगे ये इस तरह से. अब इधर से डालें, इधर से डालें, आपकी मर्जी है. बस इस तरह से उतार लेंगे सारे फंदों को और बंद करेंगे, फिर साइड सी लेंगे. साइड किसी भी तरीके से आप सी सकते हैं, जो भी मेथड आपको आता हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अभी जो मैं बताऊंगी वो भी आसान है. अगर आप बिगिनर हैं तो उसको फॉलो कर लें, वरना मैंने सेपरेट भी बहुत सारी टेक्निक सिखाई हुई हैं फंदे बंद करने के लिए. इधर से फिर से इसको आप चाहें तो सिर्फ एक दफ़ा भी गुजार के बंद कर लें, जस्ट एहतियातन के थोड़ा सा टाइट हो जाए. मकसद सिर्फ फंदों को बंद करना है. इस तरह से सही है. अब इसकी बस अपने साइड सी लेनी है, कोई भी तरीका आता हो आप सी लें. मैं इस तरह से सीऊंगी. देखिए, राइट साइड से होल्ड किया है मैंने, अच्छे से टाइट कर लें, फिर यहाँ से
इस तरह से मिलाते जाएं। मैं एक सेकंड दिखाती हूँ आपको क्लोज में। ये देखें, यहाँ से ऐसे करके आपने उधर से भी फंदे लेने हैं, उधर से भी लेने हैं और इनको बंद करते जाना है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। देखें, आपको अगर कुछ आता हो, बुनाई करते रहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको अब सारा इसी तरह से हम बंद कर देंगे यहाँ तक। साइड हमने इसकी पूरी सी के कंप्लीट कर ली है। अब देखें, चारों साइडों से कोई भी इसकी साइड रख लें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे वेव इन कर लेंगे आप आखिर में। कोई भी तरीका आता हो आसान सा उससे कर लें, या मैंने सिखाए हुए हैं बहुत सारे तरीके, या उसको फॉलो कर लें। तो बाद में वेव इन कर लीजिएगा इसको। अभी इस पर हम इसको भी वेव इन कर लीजिएगा अंदर की तरफ। अभी हम क्या करेंगे, इसमें डोरी डालेंगे। डोरी मैंने बनाना सिखाया हुआ है पहले ही आपको। ये देखें, ये वाली इस तरह की डोरी आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने निटिंग नीडल से भी सिखाई हुई है और क्रोशिया से भी सिखाई हुई है। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी तरीके से बना लें। और इसकी जगह पे खाली आप रिबन भी इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ रिबन और एनी निटेड चेन और अ क्रोशिया चेन टू पुट हेयर। आपकी मर्ज़ी है कि आपको जो आसान लगे आप वो करें। मेरे प्रोजेक्ट्स का मकसद ही यही होता है कि आपको ओवर बर्डन ना करें, आपको जो चीज़ आसान लगे आप वो इस्तेमाल करें। अब बॉर्डर बुना था हमने, जितना 1.5 इंच वहाँ से हम यहाँ पे डालेंगे डोरी। तो मैंने 1.5 इंच बुना था, मेरी सिलाइयाँ जो हुई थी 2, 4, 6, 8, 9 नौ सिलाइयाँ हुई थी। तो मैं 9 सिलाइयों के बाद यहाँ पे डालूँगी, यहाँ पे दोनों तरफ से एक ही जैसा हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जस्ट मैं आपको तरीका दिखाना चाह रही हूँ इस तरह से। और ये डोरी बहुत पतली है तो इसके लिए आपको होल्स की जरूरत नहीं है। मिटन दोनों रेडी हो गए हैं, अब इनको बनाइएगा ज़रूर। मुझे इंस्टाग्राम पेज क्लीन इट्स पे तस्वीरें ज़रूर भेजा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।